सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं आपके आराध्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आपके अंदर भी हिम्मत और हैसियत नहीं होनी चाहिए, ना हिम्मत ना हैसियत। आदिल और कमाल भी असल में तो हिंदू है, वो तो कन्वर्ट हुए, सारी चीजें हैं, शोएब भाई के साथ भी वो चीजें हुई हैं, इन पर भी अत्याचार हुआ है, इनके पूर्वजों पर भी। गलती आदिल कमाल की नहीं है, इन जिहादियों का टर जाहिल जिहादियों की नहीं है, अमन चोपड़ा की गलती है कि आप जैसे की पोल के खोलता है। कावड़ियों के पैर दबाइए शोएब, जमे थोड़े पाप धुल जाएंगे, पैर छोड़िए। आपकी तरह सर भगवा पहन के, साफा पहन के, पहचान बदल के, लव जिहाद और ये करके, वो तो नहीं करते ना, कम से कम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, खुलकर करते हैं शोएब। आदिल कमाल की गलती नहीं, अमन चोपड़ा की गलती है कि आप लोगों की पोल खोल रहा हूं मैं। गलती आदिल कमाल की नहीं है, इन जिहादियों का टर जाहिल जिहादियों की नहीं है, अमन चोपड़ा की गलती है कि आप जैसे की पोल के खोलता है। अब पोल खोलने की कीमत अगर पुलिस पूछताछ करके चुकाएगी ना, तो सर लाइए जितनी पुलिस को लाना है और उस पूछताछ का स्वागत करता हूँ। इतनी कीमत तो चुकाने बैठते हैं सर, इतनी कीमत तो चुकाने। आपकी तरह सर भगवा पहन के, साफा पहन के, पहचान बदल के, लव जिहाद और ये करके, वो तो नहीं करते ना, कम से कम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, खुलकर करते हैं शोएब। अगर ये आदिल कमाल जिम्मेदार नहीं, अगर आपको एक्सपोज करने की कीमत या जाहिल जिहादियों को एक्सपोज करने की कीमत कोई स्टेट पुलिस अगर आके पूछताछ करती है, कुछ होता है, तो सर लाइए, रोज लाइए, प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आपको लग रहा हो डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता शोएब। अमन जी, आपके जले पे नमक छिड़कना हमारा मकसद नहीं था, मैं जानता हूँ दर्द होता है, ये ऐसा नहीं है कि इस पर दर्द होगा। दर्द जो है यूपी के लोगों को होता, ये तो आप, ये आपके जो शांति दूत है, ये यूपी के लोगों को दर्द होता वो नहीं हुआ। आप ये आदिल और कमाल के बारे में बोलिए ना, आदिल कमाल के बारे में बोलिए ना। चलिए शोएब, एक शब्द तो बोलिए इनके खिलाफ। सवाल बिल्कुल सही था भाई, ये सफल हो जाते तो आज शोएब जमे स्टूडियो में चीख चीख कर कह रहे, देखिए हिंदू आतंकवादी, हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू ये, हिंदू वो बोल रहे होते आप यहाँ पर बैठकर, बोलते ना आप शोएब, आज तो चोरी। हाँ चलिए बोलिए 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 शोएब शोएब। अभी संगीत रागी जी ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात, कि भाई हो सकता है कि रामनवमी में भी जिन लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया था वो भी यहाँ से शांति दूत होंगे, यानी मुस्लिम समाज से होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। मैं इसी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि साजिशें इसी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि लूलू मॉल में 18 सेकंड में नमाज पढ़ने वाले और यहाँ आदिल कमाल के नाम पर जो लोग आए हुए थे वो भी हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर नहीं, शोएब होंगे। अरे वो सही कह रहे हैं विनोद जी, विनोद जी सुनिए तो सही, नौमान था भाई, विनोद जी सुनिए तो सही। अरे विनोद जी उनकी बात शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली पहचान तो सबकी हिंदू है, वो सही कह रहे हैं, वो आदिल और कमाल भी हिंदू, असली पहचान तो वो मान रहे हैं, असली पहचान तो सबकी हिंदू है, वो तो मान रहे हैं। आप उनको फिर भी आप फटकार रहे हैं विनोद जी, वो असली पहचान की बात कर रहे हैं। आदिल और कमाल भी असल में तो हिंदू है, वो तो कन्वर्ट हुए, सारी चीजें हैं, शोएब भाई के साथ भी वो चीजें हुई हैं, इन पर भी अत्याचार हुआ है, इनके पूर्वजों पर भी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा आदिल कमाल ये बहरूपिया जिहाद, ये इच्छाधारी जिहाद क्या है? आदिल कमाल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि इनकी असली पहचान वही हिंदूवादी संगठन की हो जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। आप बचा रहे हैं इनको, पता नहीं क्या है आपका, मुझे नहीं समझ में आता है शोएब, कभी तो आप इनके खिलाफ बोलिए। आपको थोड़ी ना साफा पहनकर दंगा करना है, ये सब करना है, आप थोड़ी ना करते हैं ये सब, इनके खिलाफ बोलिए भाई, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। आप पता नहीं आज भी बचा रहे हैं इन लोगों को, ये देखिए इन्होंने मजारें तोड़ दी, चादरें जला दी, आज भी बचा रहे हैं इनको शोएब, गलत है ये, आज भी इनको बचा रहे हैं, जैसे आपके भाई हैं ये। मैं नवल किशोर दास जी, उसके बाद विनोद बंसल जी, एक एक कमेंट जल्दी से, फिर शांतनु भी है मेरे साथ, शांतनु एक एक कमेंट तीनों का। जो भी संगठन से आए हैं, अरे जो भी नहीं, आदिल कमाल है भाई नाम है उनका, आदिल कमाल, आदिल वना भगवाधारी, ये जिहाद इच्छाधारी, बात खत्म।
चलिए नवल किशोर दास जी खुलकर बोलना चाहिए। किस बात पे खुश हो रहे हैं भाई? अरे पकड़े गए, खुश होंगे ना आप रोइए, आप रोइए, आपकी साजिश बेनकाब हो गई। मैं तो खुश होऊंगा ना भाई, मैं तो खुश होऊंगा। समाज बच गया, दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं होता तो मैं खुश होता हूँ। दंगे होने पर आप खुश होते होंगे। नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास, उत्तर प्रदेश में टीचरों को कावड़ियों के पैर दबाने के लिए कहा गया है। अमन जी, पुलिस वाले, अमन जी, आजकल उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के पैर दबाइए, हो सकता है पाप धुल जाए। ये जो जिहादी लोग हैं, पैर धोकर पीजिए, कावड़ियों के पैर दबाइए, शोएब जमे, थोड़े पाप धुल जाएंगे, पैर छोड़िए। चलिए अब अमन नवल किशोर दास जी आप बोलिए। उत्तर प्रदेश, मैंने बोला कावड़ियों के पैर आप दबाइए, आपने बोला आतंकवादियों के पैर आप दबाते हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो अपनी जबान पर लगाम दीजिएगा, जबान पर लगाम दीजिएगा। सावन का महीना चल रहा है, आप भी उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। दोबारा मत बोलिएगा, वार्न कर रहा हूँ। सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, कावड़ियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं आपके आराध्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं तो आपके अंदर भी हिम्मत और हैसियत नहीं होनी चाहिए। ना हिम्मत ना हैसियत, एक लिमिट होती है। मैंने बोला कावड़ियों के, आपने बोला, मैंने बोला कावड़ियों के पैर दबाइए और आपने बोला आतंकवादियों के पैर आप लोग दबाते हैं। आप कावड़ियों मत बोलिएगा, समझा रहा हूं, मत बोलिएगा। गजब कैसी लगी? आगे स्वाद बाय बाय टाटा गुड बाय गया।